यदि आप भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको शास्त्रों के माध्यम से खलमास भी जानना जरूरी है। यदि आप खलमास में जमीन खरीदते हैं तो ऐसे में आपकी परेशानियां बढ़ सकती है, आपके घर परिवार में परेशानियां आएगी। इसके लिए आपको खलमास में जमीन नहीं खरीदना चाहिए। खलमास की शुरुआत 14 मार्च से हो गई है जो 13 मई तक चलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खलमास में भगवान की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। लोकल 18 की टीम को पंडित शैलेंद्र मुखिया ने जानकारी देते हुए कहा कि धनार शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी जमीन यह शुभ प्रसंग के कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह के कार्य होते हैं तो परेशानियां बढ़ सकती है। इस परेशानियों से बचने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए गए उपाय करना है। खलमास में यदि आप भी यह उपाय करते हैं तो आपके घर परिवार में सुख शांति खलमास में बनी रहेगी। 14 मार्च से शुरू हुआ खलमास 13 मई तक चलेगा। खलमास का क्या विशेष महत्व होता है और क्या है ये पूरी, और किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए और क्या चीजें खरीदना चाहिए और क्या सावधानी बरतना चाहिए इस मास? धनार और मीनार शास्त्रों में कहा गया है, धनार के यानी धनुर्मास और मीनार के यानी खलमास। जब सूर्य मीन राशि में जाते हैं तो इसको खलमास बोलते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता, जैसा वास्तु विवाह सगाई जमीन खरीदना जितने भी शुभ कार्य है ये खलमास में नहीं होते। क्या सावधानी बरतना चाहिए? सावधानी ये रखे कि तुलसी जी की पूजा करें नित्य, उनको छुए नहीं, तुलसी जी को जल चढ़ाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गुरु की पूजा करें, इष्ट देव की आराधना करें और दान वगैरह इस खलमास में देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक मीन राशि में सूर्य होने से खलमास रहेगा। क्या नाम आपका? शैलेंद्र मुखिया जी, श्री राधा वल्लभ मंदिर।